इसके पिताजी मैं चाय पी लूं। इसके पिताजी अब तो मुझे थकान हो जाए। उम्र भी तो हो गई हमारी अब। बच्चों को फोन कर दो, वे आ जाएंगे, घर में रौनक भी रहेगी और पोते पोते का तुम्हारा टाइम भी बच जाएगा। ठीक कह रही है, तो भगवान का हमारे सब कुछ तो है, दो तो बेटे हैं, दो तो बहू हैं, पोते पोती सब कुछ, वे आज यहाँ आ जाएंगे तो हमारा बचा हुआ जीवन प्यार से गुजर जाएगा। मैं भी फोन कर हेलो पिताजी, नमस्ते। नमस्ते बेटा, खुश रहो खुश रहो। बेटा रुपेश, तुझसे एक बात कहनी थी। बेटा पैसे खत्म हो गए क्या? नहीं बेटा, मैं तो बोल रहा था बेटा अब तुम घर पे आ जाओ यहीं, अब हम बुढ़ापा आ गया, अब हमें तुम्हारे सहारे की जरूरत है। बेटा पिताजी, हम तुम्हारी जरूरत के अनुसार पैसे भेज तो रहे हैं, और वैसे भी बच्चों की पढ़ाई चल रही है और मेरा बिजनेस भी यही है, और वैसे भी पिताजी हमारा मन नहीं लगेगा वहाँ। तो ठीक है बेटा, तुम पैसे भेज रहे हो, पर बेटा पैसे सब कुछ नहीं है, अब बुढ़ापे में हमें तुम्हारे भी सहारे की जरूरत है। आप एक काम करो पिताजी, सहारे के लिए कोई नौकर रख लो, पैसे मैं दे दूंगा। बेटा रुपये, अगर नौकर से काम चलता तो बेटों की आस कौन करेगा थे? पिताजी मेरी तो मजबूरी है, मैं नहीं आ सकता, आप आदेश से बात कर लो, वो आ जाएगा। हेलो बेटा आदेश। नमस्ते पिताजी। ठीक ठाक बेटा, और सब बढ़िया है? हाँ जी सब ठीक है, आप भी ठीक हो? बस ठीक है बेटा, तेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए अब कोई काम कर, अपने बच्चों को लेकर यहीं पर आ जा। इधर मेरी सर्विस, उधर बच्चों की पढ़ाई, अब का जो है बताओ मैं कैसे आ सकता हूँ। चलो अब मैं कुछ पैसे आपको एक्स्ट्रा भेज दिया करूँगा। बेटे पैसे ही नहीं, अब हमें तुम्हारे सहारे की जरूरत है। सॉरी पिताजी, मैं नहीं आ सकता। क्या हुआ जी, आपकी आंखों में आंसू? क्या बोल दिया बच्चों ने? कुछ नहीं, ये बोल रहे थे तो क्या मान नहीं सकते, मजबूर है, मना कर दिया। कोई बात नहीं, हम तो यही कहा है कि वो अपने अपने घरों में खुश रहे। बताओ मैं खाने में क्या बना लूं? बिना खाने को हंदे ये सब ठीक ना है, रोटी रखी होगी सवेरे की, उन्हें लिया उन्हें खा लिया।
लो जी ये सुबह की दो रोटी रखी है, मैं तुम ही खा लो। सुशीला दोनों एक एक खा लेंगे। मन भारी मत करो अपना। तुम खा ले मुझे। उठो भाई, अरे आपको नाश्ता वास्ता बना लो, दिन निकल ही आया। सुशीला 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 क्या हुआ, क्या हुआ सुशीला, क्या हुआ, क्या हुआ सुशीला, क्या हुआ सुशीला, क्या हुआ सुशीला, सुशीला क्या हुआ, डॉक्टर फोन कर दो। हेलो हेलो डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब मैं शर्मा बोल रहा हूँ, जल्दी घर पा जाओ सुशीला। शर्मा जी इन्हें थोड़ी सी फालिश की समस्या है, बाकी आप घबराओ मत, मैं दवाई लिख के देता हूँ और इंजेक्शन लगा देता हूँ, इनको अभी आराम मिल जाएगा। जल्दी कर दो, जल्दी कर दो, बस जल्दी कर दो डॉक्टर साहब। ये दवाइयाँ आप ले आए। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं अभी देख आ रहा हूँ। सुशीला तू यहाँ बैठ आराम से। ए मैं तेरे लिए चाय बना ले आ रहा हूँ। Thank you.
सुशीला, ओ सुशीला उठ जा, चाय पी ले। एक फोटो बन लेती, एक फोटो। सुशीला, ओ सुशीला दवाई ले लो भाई। सुशीला अरे उठो भाई, दवाई ले लो, कि तुम्हारे लिए चाय बनानी है, तुम्हें नहाना धोना भी है। सुशीला, 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 हेलो बेटा रुपेश, बेटा रुपेश तेरी माँ हमें छोड़ गया, लेकिन बेटा अंतिम क्रिया के लिए जल्दी आ जा बेटा। भाई पिताजी मेरा तो आना मुश्किल है, आप एक काम करो आदेश से बात कर लो, वो आ जाए। पिताजी का फोन। हेलो पिताजी। बेटा तेरी माँ का शरीर पूरा होगा बेटा। ओहो बहुत बुरा हुआ, अंतिम गिरे के लिए जल्दी आ जा। मेरे पास तो पिताजी टाइम नहीं है, काम बहुत ज्यादा है, आप अपने भैया को फोन कर दो, वे आ जाएंगे, और जब आप मरोगे मैं आ जाऊंगा। भगवान ऐसे औलाद किसी को बनते हैं ना। सुशील ओला तो धोखा दे ही गई, तू भी साथ छोड़ गई। अरे पगली, यूरा सोचा कि मैं अकेला कैसे रहूंगा तेरे बिना, तू साथ रहे भाई तो टाइम कट जावे हंसते बोलते,
अब तू भी ना रही। अपने मन की बात किससे करूंगा मैं। अरे पगली, कौन मेरे दुख सुख की बुझेगा। तू तो चलेगी भगवान के पास में, अपने भगवान से कह मुझे भी जल्दी बुला ले, जल्दी बुला ले उसे भी। हे भगवान, मुझे भी बुला ले, मैं सुशीला के द्वारा बुला ले मुझे भी। हेलो बेटा, अब सुबह को आए ना, तुम उससे मिलके जाना। चाचा राम राम। राम राम। अब बेटा अंदर आ जाओ। चाचा जो कुछ बताना ही है बता दो, मुझे अखबार डालकर नौकरी पर भी जाना पड़ता है। बेटा बस मैं केवल 10 मिनट लूंगा तेरे। चाचा आपको जो कुछ बताना है यही बता दो, आ जाओ। अंकल जी जल्दी बोलो वरना मैं आज बहुत लेट हो जाऊंगा। बेटा मैं चाहता हूँ कि अब के बाद जब भी तो अखबार देना आवे ना तो अखबार मेरे हाथ में लेकर जाएंगे। अंकल जी इस तरीके से तो मैं बहुत लेट हो जाऊंगा और मेरी छुट्टी भी लग जाएगी काम की। बेटा मैं इस काम को तो पैसे दूंगा फिर भी नहीं कराऊंगा, 1000 रुपये महीना दूंगा तुम्हें। क्या? लेकिन ये बताओ इससे आपका क्या फायदा होगा? बेटे बात फायदे नुकसान की नहीं है। बेटा तुम तो जानते ही हो अब तुम्हारी आंटी भी दुनिया में नहीं रही, अकेला रहता हूँ। तुम दरवाजा खटखटा का अखबार दोगे तो मैं अखबार लेना आऊंगा, और भगवान ना करे कभी तुम दरवाजा बजाओ और मैं अखबार लेने ना आऊं तो बेटा समझ लेना कि मैं भी। अंकल जी ऐसा मत बोलो, भगवान आपकी आयु लंबी करे। ना बेटा ना, अब तो बस जीने की आस ही खत्म होगी, अब तो बस ऊपर वाले के लिए सांस पूरे करता हूँ। बेटा एक काम करिए, मैं जब कोई दुनिया को छोड़ दूँ ना तो मेरे बेटे को फ़ोन कर दीजिए, मैं उसके नंबर लिख दिए और चिट्ठी मेरे बेटे को दे देना और उनसे कहना कि इसको सबके सामने पढ़ा। अंकल जी बुरा मत मानना, जब आपके दोनों बेटे आंटी के मरने पर नहीं आए तो आपको उनसे क्या उम्मीद है कि वो आपके मरने पर आ जाएंगे? आएंगे आएंगे वो जरूर आएंगे। हैं क्या मतलब? बेटा मकान देख रहे हो, करोड़ों की कीमत है इसकी, वो हरामखोर से बेचने के लिए जरूर आएंगे। ठीक है अंकल जी मैं चलता हूँ, मुझे और घरों में अखबार भी देने हैं। ठीक है बेटा। अंकल जी और मैं आपसे रोज मिलके जाया करूंगा और इस काम के पैसे भी मिल लिया करूंगा। राम राम। जी राम राम। राम राम। राम राम। ओ ठीक। हाँ जी ठीक हो, तुम ठीक हो? बढ़िया बढ़िया। नमस्कार। नमस्ते।
शर्मा जी, शर्मा जी अखबार, शर्मा जी। भाइयों यहाँ आओ। जल्दी जल्दी आओ। क्या बात होगी भाई? भाई शर्मा जी गेट नहीं खोल रहे, शायद कुछ गड़बड़ होगी। कैसी गड़बड़? भाई एक काम करो, मुझे लड़कों को फोन कर लो। हाँ भाई अभी करता हूँ। शर्मा जी बहुत अच्छे इंसान थे, कैसे बोला तू? शर्मा जी के लड़के तो बेकार हैं, माँ के मरने में भी ना आए। भाई पता ना कैसी औलाद है। दादाजी, दादाजी, हमें छोड़ के क्यों चले गए पिताजी तुम? पिताजी। भाइयों चुप हो जाओ, इन्हें ले जाने की तैयारी करो। हाँ भैया थोड़ी जल्दी करो। रुको भाइयों, शर्मा जी ने मुझे एक चिट्ठी दी थी और ये कहा था कि ये सबके सामने पढ़नी है। लो भैया। सभी भाइयों को राम राम। भाइयों आज मैं पूरे होश हवास में यह घोषणा करता हूं कि मेरे मरने के बाद मेरी चिता को अग्नि विकास देगा, वो विकास जो मेरे घर में रोज अखबार देने आता है। मेरे बेटे तो आएंगे नहीं क्योंकि उनके पास समय नहीं है। अरे जो अपनी माँ के मरने पर नहीं आए, उस माँ के मरने पर जिसे 9 महीने तक अपनी कोख में रखा, पैदा किया, पाल पोस कर बड़ा किया, गू मुँह साफ करे, वो मेरे मरने पे क्या आएंगे? और हाँ अगर वो आ भी जाएं तो मेरी चिता को अग्नि विकास ही देगा। एक बात और, मैंने अपनी सारी संपत्ति, सारी जायदाद विकास का नाम कर दी है। मेरी जायदाद पर विकास का ही हक होगा, वो इसका मालिक होगा। और हाँ बेटा विकास, परमात्मा तुझे लंबी आयु दे, भगवान तेरे जैसा बेटा सबको दे, ताकि कोई भी माँ बाप औलाद के लिए मेरी तरफ तड़प तड़प करना पड़े। अंत में सभी को मेरी आखिरी राम राम। एक अभागा बेसहारा बाप कमल की सोर शर्मा।